झारखंड के मैथन और पंचेत डैम का पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। इससे नाराज बंगाल पुलिस ने झारखंड की गाड़ियों को बंगाल की सीमा पर घुसने से रोक दिया, जिसके बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ झारखंड और बिहार से पानी छोड़ने की वजह से आती है। ममता बनर्जी के इस बयान पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए, इसमें बीजेपी सीएम सोरेन का साथ देगी। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इतना दब्बूपन दिखाना ठीक नहीं। झारखंड के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना एक मुख्यमंत्री के नाते उनका दायित्व बनता है। पहले भी ममता दीदी ने जिस तरह से इनको हड़काया था और अभी फिर हड़का रही है और कह रही है कि मैंने कहा था कि अब बाढ़ का पानी जो है वो अपना जो है डैम का पानी अब रोक दिए। आपको मालूम है कई एक डैम जो है, चाहे मसान जोर हो, चाहे हमारे बाकी जो डैम्स है, वो झारखंड में बने हैं, डूबा क्षेत्र झारखंड में है, लेकिन उसके पानी का सिंचाई उसका लाभ जो है पश्चिम बंगाल लेता है। अब वो चाहती हैं कि वो पानी से बाढ़ टूट जाए या पूरा झारखंड बर्बाद हो जाए। भाई ये प्राकृतिक बातें हैं, प्राकृतिक आपदा है, पानी आया है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। उसके लिए झारखंडियों का अपमान करना और उन अपमान में मुख्यमंत्री जी का चुपचाप दुम दबा करके बैठ जाना, ये सीधे दिल नहीं है, बुलदिली का निशानी है। मुख्यमंत्री जी 3.5 करोड़ झारखंड की जनता का आवाज बनिए और ममता जी को थोड़ा सा नहीं है तो हम सब लोग साथ हैं इस मुद्दे पे, आपके आंख उठा करके उनको जवाब दीजिए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से झारखंड की गाड़ियों को बॉर्डर पर रोकने के सवाल पर झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि ये दो राज्यों के बीच का मामला है, राज्य सरकार जल्दी ही इस मामले को सुलझा लेगी। ममता बनर्जी की सरकार है, वो पानी झारखंड से पानी छोड़े जाने के बाद अब जो है मालवाहक गाड़ियों को बंगाल में प्रवेश कर रही है। निश्चित रूप से इसका सूचना मुझे मिली और ये इस पर हमारा, चूंकि ये राज्य स्तर का मामला है और जबकि हमारा एक भूगोल, इस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र ऐसे है, कहीं भी हम डैम बनाए हैं, चाहे आप मेथन डैम दे, चाहे हमारा दुमका का ये डैम दे, सबका साथ हमारा बंगाल का साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो लगातार 3 दिन वर्षा हुआ है ये तो प्राकृतिक की बात है और जिस वर्षा होने के कारण ये झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार सभी जगह प्रभावित हुआ है और जिस कारण हमारा इस राज्य का पानी बंगाल में जा करके कुछ नुकसान लोगों का हुआ है। इस पर हम लोग हमारी सरकार गंभीर है, इस पर हम लोग अविलंब इस पर उच्च स्तर बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आप लोग उस दिल्ली छोड़ दीजिए, हमेशा ममता बनर्जी से आप लोग डरते, सीना दिखा करके इस बार जवाब दीजिए, बीजेपी आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह का बात बोलता है वो तो बोलने में स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमारी जो सरकार, हमारी सरकार का भी अपना कुछ नियम कानून है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार जिस पर गंभीर, ममता बनर्जी से बात होगी आप लोगों की सरकार की? देखिए अभी जो सूचना मिली है, गाड़ी घोड़ा बंद किए हुए है, इस पर हम लोग अपना स्तर से हम लोग बात करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी और कहा कि झारखंड और बंगाल के बीच पुराने और अच्छे संबंध हैं, बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मालवाहक जो गाड़ियां हैं उसको आलू प्याज तक रोक दिया जा रहा है मंत्री जी, झारखंड पे। देखिए राजस्थानी मामला है और ममता दीदी और हेमंत सोरेन जी हम लोग एक है, बंगाल हमको आंख नहीं दिखा सकता, बंगला से मैं प्यार करता हूँ, बॉर्डर पे तो आलू प्याज, बंगाली लोग से मेरा संबंध है,
वो रोक दी, वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग जात पात नहीं करते, लोग नफरत नहीं फैलाते। गाड़ी रुका है तो हमने भी पानी छोड़ा है, ये क्यों नहीं छोड़ रहे? हम कितने लोग तबाह हो गए, भाग गए हैं, तो रोकने का प्रयास है। आप लोग डरना छोड़ दीजिए, बीजेपी आप लोग के साथ है, आप लोग आंख दिखाइए। देखिए नेता प्रतिपक्ष भले ही बन गए हैं लेकिन उसको भाजपा जो बोलती वही पढ़ते हैं वो। अब हर मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं लगता है, ये हमारी सरकार का मामला है, बंगाल सरकार झारखंड सरकार, हम लोग देख लेंगे। बेवजह क्यों कूद देते हो यार, ज्यादा कूदोगे तो नदी में कूदा देंगे हम, बह जाओगे पता नहीं चलेगा कहाँ। रघुलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड सरकार के जो पैसे बंगाल सरकार रखी हुई उसके वापस करके और इस तरीके। बाबूलाल जी भी आ गए, अरे भाई कौन कौन आ रहा है? आप बहुत छो को पूर्व मुख्यमंत्री बुला लीजिएगा आप लोग। बेवजह देखिए हमारा क्या पैसा है, नहीं हम लोग समझ लेंगे। बंगाल से मेरे अच्छे संबंध हैं, भाजपा को बंगाल से नफरत है, बंगालियों से नफरत है। बांग्लादेश नहीं कर रहा है, वो बंगाल समा चुका ले दे रहा है भाजपा, बात समझिए। और ये चाह रहा है कि बंगाल को भी अटैक करें और झारखंड को भी हम लोग बदनाम करते छोड़ दें। ये देखिए सीएम साहब का मामला है, सीएम साहब वार्ता करेंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो वार्ता करेंगे, क्यों करेंगे? दीदी तो हमारी हैं, जब चाहे दीदी पर चले जाएंगे, आ जाएगी दीदी यहाँ। बताया जा रहा है कि डैम में प्राकृतिक रूप से ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी ज्यादा हो गया था, अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो झारखंड के कई इलाके डूब जाते, इसी वजह से पानी छोड़ना मजबूरी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।